आज हम फ्रॉक की कटिंग सिखाएंगे जो सामने से खुला हुआ होता है। लंबाई लेनी है 6 इंच और चौड़ाई भी हमें 6 इंच ही लेनी है, तो ये हमारा फिक्स है बिल्कुल। अब हम इसमें लगाएंगे तीरे का निशान 4 इंच पे। तीरा हमारा 8 इंच का है तो हमने 4 इंच पे निशान लगा दिया है। मुड्ढे की गहराई का निशान लगाएंगे हम 4.5 इंच पे। और अब हमें इसमें करनी है ऐसे ही गहराई जैसे हमने ड्राइंग में बताई थी। और अब हम इसमें गले का निशान लगाएंगे। निशान लगाना है हमें इसमें 2 इंच पे। 4 इंच के गले की चौड़ाई लिए तो 2 इंच पे निशान है हमारा। ये बैक है तो बैक में हमें 1 इंच का निशान लगाना है। इसमें ऐसे गोलाई देनी है और 1/2 इंच हम इस पे कंधे का गिराव का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच योग की गोलाई का निशान लगाएंगे और 1/2 इंच साइड का निशान। ये तीनों निशान 1/2 इंच पे ही है। ये हमारा बैक हुई और ये हमारे सामने, तो सामने पे हमें 1 इंच फालतू ले आई है हमने देखो। और गहराई लगानी है हमें इस पे 2.5 इंच, पीछे 1 इंच थी तो ये 2.5 इंच पे लगेगा इसका निशान। ये सामना है, ये बैक और ये सामना। ये ऐसे करके हमें सीना है आगे से खुला हुआ, तो ये हमारा सामना तैयार है। और ये है इसके घूम यानी घेर। ये 11 इंच की लंबाई है और 10 इंच की चौड़ाई है। ये बैक वाले घूम है और ये हमारे सामने वाले घूम है। जिसमें चौड़ाई लेनी है 11 और लंबाई भी हमें 11 इंच लेनी है। जो 1 इंच मोड़ने में आ जाएगा यहाँ से और 10 इंच चुन डालने के लिए। इसकी कटिंग तैयार होगी। अब हम पाइपिंग काटेंगे। पाइपिंग दूसरे कलर की लगानी है, एक जैसी भी लगा सकते हो। डेढ़ इंच का निशान लगाना है हमें पाइपिंग में। ये मुड्ढों की और गले की पाइपिंग हो गई, इसी में से हम पॉकेट लगाएंगे। सबसे पहले हम घेर में चुन डाल के रखेंगे। सामने वाले घेर ही है हमारे। योग के ऊपर रख के एक पैर की सिलाई लगानी है। ये जो चुन वाली सिलाई है बिल्कुल इस पे कोई चलानी है। दोनों सामनों पे एक जैसे लगानी है बिल्कुल सिलाई। सामने तैयार है। अब हम इन्हें 1/2 इंच मोड़ते हैं सामने से। ये सामने तैयार हो गए।
अब ये बैक के घूमे हमारे, इनमें भी ऐसे इंच डाल लिए। और इसे भी अब ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। पहले कंधी जोड़ेंगे अब, लगानी है पाइपिंग। पाइपिंग गोलाई में खींच के ही रखें, बगैर खींचे सफाई नहीं आती पाइपिंग में, हल्का सा खींच कर रखनी पड़ती है। इसे फोल्ड करके और अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे लब की। दोनों मुड्ढों में एक जैसे ही पाइपिंग लगानी है बिल्कुल। गले में भी ऐसे ही लगानी है, गोलाई में थोड़ी खींच के रखनी है, बाकी एक जैसी लगानी है। ठोका आगे से सही सा बनाना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल इकसार। इधर से भी ऐसे ही मोड़ेंगे हम इसे। ये हम पॉकेट की डोरी बनाएंगे अब। ये बिल्कुल हम कमरबंद जैसे बना रहे हैं, हमने कमरबंद की वीडियो बनाई थी। और पॉकेट को अब आधा इंच मोड़ लेंगे, दोनों पट्टियों को एक जैसे ही मोड़ना है। ये डोरी अंदर रखे इसलिए सिलाई लगा रहे हैं, ताकि फिर बाद में ना डालनी पड़े, नहीं तो सुई से डालनी पड़ेगी ये हमें, अगर हम इसमें ऐसे रख के सिलाई नहीं लगाएंगे। ये कॉर्नर लगा देंगे इसमें अब हम छोटे छोटे, ताकि डोरी निकल के ना भागे और पॉकेट खूबसूरत लगे। अब हम इन्हें काटते हैं। ये पॉकेट हमारी ये तैयार हो गई, खींच के डोरी को, और अब हम इस पे लब की सिलाई लगाएंगे। पॉकेट का निशान मैंने पहले ही लगा लिया था, किस जगह लगानी है। घूम के बिल्कुल बीच में पॉकेट रखनी है हमें,
दोनों पॉकेट एक जैसे ही लगानी है बिल्कुल। अब करते हैं साइड की सिलाई शुरू। आधा इंच बॉटम मोड़ेंगे नीचे से, इसे घेर भी कहते हैं और बॉटम भी कहते हैं। दो दो इंच पर काज के निशान लगाएंगे। वैसे हमने काज की वीडियो एक्स्ट्रा बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हो।